कहाँ तक, इसमें कई तक बता दिए थे, सात तक बता दिए थे। पूछ रहा है sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2। हम कहे थे देख के आना किसी से नाम ऐसा होगा बतावल जिसमें sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 तीनों के फॉर्मूला होता है। याद है तो बोलना क्या होता है। कोई बात नहीं, किताब से देख के भी बोल सकते, कोई ज़रूरी है कि यादें रहे? नहीं याद है, देख के बोलेंगे। दो तीन बार अगर देख देख के भी लिखते हैं ना तो याद हो जाता है लिखते लिखते। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा? एनसीईआरटी में है लेकिन फार्मूला नहीं मिलेगा। वो मिलेगा कैसे से नाम है? तो कैसे से ना वाला, अगर तू सबके पास कॉपी है, किताब है, कुछ भी है तो वहाँ से देख के बताइए। सबसे जो अंतिम एक्सरसाइज चल रहा होगा 6.4, एक मिनट, हाँ वही में सब मल्टीपल एंगल में मिलेगा, सब मल्टीपल एंगल में मिलेगा पूरा। हाँ बोल सकते हो, एक मिनट, सही बोल रहा। देखो हम समझा देते हैं, जो तू बोल रहा है वही होता है। तू बोल रहे हो कि पहले, चलो दोनों लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं साइन एक्स बाई टू एकर फार्मूला, और फिर लिख लेते हैं कॉस एक्स बाई टू एकर फार्मूला, और दोनों के फार्मूला होता है। इससे भी पहले एक चीज़ और बताते हैं, जैसे साइन एक्स के फार्मूला होता है और कॉस एक्स के फार्मूला होता है। साइन एक्स की फार्मूला होता है अंडर रूट वन माइनस कॉस टू एक्स बटा में दू, ये होता है। और कॉस एक्स के फार्मूला होता है अंडर रूट वन प्लस कॉस टू एक्स बटा में दू। तू कहोगे कि हम एनसीईआरटी में ही पढ़ के भाभा बन जाए, ये सब गलत फहमी में मत रहो, वहाँ से आप नहीं बन सकते हैं। कोई ना कोई तो साइड से किताब फॉलो करना होगा, हम रहें चाहे कोई भी रहे, कोई भी टीचर आपसे एनसीईआरटी देख के फार्मूला पूरा घोर पीस के पी नहीं सकते। याद करो, रटो, शायद एनसीईआरटी में तो ये लगभग नहीं करता, इस्तेमालो नहीं हम करते हैं, तो ये फार्मूला होता है। अच्छा यही दोनों देख कर लगले जरा ये भी बता दीजिए कि टेन एक्स के फार्मूला क्या होगा, दोनों देख कर बता दीजिए। साइन बटा कॉस, यानी डायरेक्ट बोलो ना कि अगर आप समझते हैं तो वन माइनस कॉस टू एक्स अब बटा में वन प्लस कॉस टू एक्स, यही होगा। अब यही देख कर इधर बताना, लेकिन पहले यही दिखा देते हैं भाई कि अगर यहाँ एक्स था ना तो अंदर में कॉस टू एक्स, एक्स था ना तो टू एक्स, एक्स है ना तो टू एक्स। यहाँ जरिए संभल के, यहाँ हम खुद कह रहे हैं कि साइन एक्स बाई टू, तो अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बटा दो। सब चीज़ जितना देख रहे हैं सब फार्मूला प्रूफ कर लें हम। ऐसे ही त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन में 75 क्लास नहीं गया था तो नहीं देखोगे 75 क्लास का, हाँ 74 गो है तो 74 75 ऐसी नहीं गया। वो 74 75 गो में हम वजह पे माला नहीं जप रहे हैं, पढ़ाइए रहे हैं, एक एक हिसाब बताए हैं, उससे ज़्यादा है ना कि एक को फार्मूला जो प्रूफ किए हम। और उसमें ये भी हम बताएं कि कहाँ पे कौची गलती है, काहे आखिर क्वेश्चन ही गलती है, काहे आंसर भी गलती है, सब चीज़ बताएं तो हिम्मत लगबे करता। एक बोलो ये सब वहाँ साबित कर लें, वन प्लस कॉसिक वहाँ मतलब यही चैनल वहाँ प्ले लिस्ट वाला अलग है कि टू। अच्छा तो लगले ये भी बता दीजिए आप कि टेन एक्स बाई टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट वन माइनस क्योंकि एकर दुगना होगा बटा में वन प्लस कॉसिक, हो सके तो इतना लिखिए लीजिए क्योंकि एक इस्तेमाल करना, जो तीन को छोड़े हैं यही तीनों इस्तेमाल होगा वो तीनों में। आठ नौ दस में यही तीन फार्मूला है जो इस्तेमाल करना था।
किताब है तुम लोग के पास। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या एक्स इज सेकेंड क्वाड्रेंट में है। हम दोबारा फिर से लिखेंगे जिससे कि फॉर्मूला याद हो जाए। इधर फिर से साइन एक्स बाई टू के सूत्र, फिर कॉस एक्स बटा दो के सूत्र, फिर टैन एक्स बटा दो के सूत्र, यही सब चीज़ बा। अगर तू उसमें पढ़ोगे ना साइन कोसाइन में, एक अलग फार्मूला जैसे साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टैन ए बाई टू, वो अलग फार्मूला है अंडर रूट एस माइनस। जैसे अगर ए बाई टू रहे साइन ए बाई टू, तो वहाँ पे होता है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी या बटा में बी सी। जैसे अगर एस बी बाई टू रहे साइन बी बाई टू, तो रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी या बटा में ए सी। वो अलग चीज़ है, ये अलग है, वो साइन कोसाइन का अलग फार्मूला होता है। यहाँ पे फिलहाल साइन एक्स बाई टू तो अंडर रूट, बोलो अब तो लिख देंगे वन माइनस कॉस एक्स बटा में टू, कॉस एक्स बाई टू वन प्लस कॉस एक्स बटा दो, टेन एक्स बाई टू वन माइनस कॉस एक्स बटा वन प्लस कॉस एक्स। ये तीनों याद रखना है, तीनों याद होना चाहिए। बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला बोल रहे एक्सरसाइज भूल तो गए हमें। अच्छा एक्सरसाइज नहीं, मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस क्या स्पेलिंग भी नहीं जानते, एम आई एस स्पेलिंग भी नहीं जानते, एम आई एस सी ई डबल एल ई, शायद यही होता है। क्वेश्चन नंबर नौ आठ बोलो, टेन एक्स बराबर माइनस फोर बाई थ्री। बस बस रुको रुको रुको, आगे आगे नहीं बोलना, आगे नहीं बोलना, नहीं नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना। टेन एक्स बराबर कितना है, माइनस फोर बटा थ्री। कि माइनस फोर बटा थ्री टेन एक्स के मान है, तो माइनस में मान राज, टेन एक्स माइनस कब कब होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में टेन का मान माइनस में होता है, सेकेंड में और फोर में। फर्स्ट में तो सभी प्लस, और थर्ड इसका घरे है, तो जाहिर सी बात है कि या तो इस सेकेंड में होगा, या तो इस सेकेंड में होगा, या तो किस में होगा, वो लिख ले, बोलो क्या लिख ले। एक्स इन द सेकेंड, चल ये समझ में आ गया कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो चार को हम लोग बोलेंगे लंब, और तीन को बोलेंगे आधार। तो कर्ण निकाले के जरूरत तो नहीं हमको है, जैसे लंब माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया चार, आधार मतलब बेस कितना हो गया तीन, तो कर्ण यानी हाइपोटेनस कितना हो जाएगा पाँच। और सबसे ज़रूरी होता है ना कि हमको ये पता चले कि कॉस एक्स के मान कितना है, काहे पता चले, अरे जब नहीं पता चलेगा तो साइन एक्स बाई टू के मान कैसे निकालेंगे, या कॉस एक्स बाई टू के मान कैसे निकालेंगे, या टेन एक्स बाई टू के मान कैसे निकालेंगे। हमको निकालना तो तीनों है, कि तीनों में ही गौर से अगर देखो फार्मूला लिखल है, ज़रूरत के कर है। तो कॉस एक्स तो पहले निकाल के रखे पड़ेगा, बोलो कॉस एक्स बराबर आधार बटा पाँच, वो भी किस में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए जो भी आएगा वो माइनस में। अब साइन एक्स बाई टू के सूत्र होता है अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स और बटा में दो, चलो बराबर यही लिखते हैं, अंडर रूट वन माइनस कॉस के वैल्यू, वहाँ माइनस है और यहाँ पहले से था, इसलिए माइनस माइनस प्लस थ्री बाई फाइव, अब बटा में कितना दो, फिर लिखते हैं जोड़कर, जोड़ लेना। अगर हम जोड़ेंगे ना तो पता चलेगा कि आठ
और बटा में पाँच और साथ साथ दो, दो भी तो होगा, हालांकि कटता है दो दुनी तो पूरा कट ही गया, तो बोलो ना कि दो और बटा में अंडर रूट पाँच। तो चल एक चीज़ तो आंसर आ गया कि दो बटा रूट अंडर पाँच। दूसरा कॉस एक्स वाई टू, तो सेम चीज़ चलेगा, कुछ बदलेगा ना, खाली जहाँ माइनस है ना वन माइनस, वहाँ हो जाएगा प्लस, वन प्लस कॉस एक्स वाई टू बराबर फिर से वन। और देखो यहाँ प्लस है ना, लेकिन संभल के, यहाँ प्लस है हम समझ सकते हैं कि जब प्लस है, हम मान रहे हैं कि जब प्लस है तो कि जब प्लस लिख देंगे, वो देखे पड़ेगा कि कॉस एक्स के मान कितना है, कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस में तीन बटा पाँच, तो जब प्लस नहीं ना अब रहेगा माइनस में तीन बटा पाँच, अब बटा में क्या दो, भिन्न के जोड़ घटाव बनावे ले आना चाहिए। सोचो पाँच एन तीन घटेगा तो डायरेक्ट अगर समझ में आता है तो बोलो दो बटा पाँच और साथ साथ दो, तो ये कटिए गया, ये कटिए गया, तो पूरा कट के बचा कौचे एक बटा रूट अंडर पाँच, यही आंसर। और टाइम निकालना तो फालतू के टाइम के बर्बादी है, साइन निकलिए गया, कॉस निकलिए गया, तो इसमें टाइम के बर्बादी है निकालना अलग से। सीधा सीधी टाइन एक्स वाई टू, मतलब हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स वाई टू और बटे में कॉस एक्स वाई टू, तो टाइम काहे बर्बाद करें, भगवान के दिन से दिमाग अगर है ही है उतना भर तो दिमाग चला, साइन एक्स वाई टू के मान दो बटा अंडर रूट पाँच, कॉस एक्स वाई एक बटा रूट अंडर पाँच, रूट पाँच से रूट पाँच कट गया तो बचा कितना दो, थोड़ा टाइम आपका बचा, ऐसे सूत्र रखो फिर मान बैठाओ, हो गया उतारिए, उतार लो उतार, उतारना नहीं है तो बना लेता है ना, चलो बना लेता है तो अच्छा, तू सबके फिर टाइम बचता है वो बचता है। हाँ सलाह तो देखो हम कल ही दिए थे, इक्वेशन लिख लो बाकी घरे बना लो, और हमें बाद में अगर कोई यूट्यूब पे भी देखेगा तो उसको भी लगेगा हाँ भाई टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है हमारा। आठ के बाद नौवां नंबर क्वेश्चन, नौवां क्या है, कॉस एक्स बराबर माइनस एक बटा तीन और एक्स इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। देखो नौवां नंबर क्वेश्चन बताइए कितना, कॉस एक्स बराबर माइनस में वन बाई थ्री और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, छोड़ो नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में रहे चाहे सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलो क्या है, अरे कॉस एक्स की ज़रूरत है, हम तीनों निकालेंगे साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू और तीनों में ज़रूरत के कर है, कॉस एक्स दे ले है ये, तो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा से कोई लेना देना उससे कोई नुकसान नहीं, और उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं, हमको मालूम है ना कि हाँ भाई कॉस एक्स बराबर इतना है बस। अब अगर साइन एक्स बाई टू बोले कि साइन एक्स बाई टू बताइए, तो साइन एक्स बाई टू के फॉर्मूला अंडर रूट, आराम आराम से कितना कितना देखते हैं ना कि सभी सब आप बताता है कितना, मतलब क्या बोले, इतना हल्का क्वेश्चन है आराम से समझ में आ जाएगा कि साइन एक्स बाई टू के फॉर्मूला वन माइनस कॉस एक्स बटा में दो, इसी तरह से कॉस एक्स बाई टू बोलो वन प्लस बटा में दो, और टेन एक्स बाई टू तो खैर निकल जाएगा, काल परेशानी करें आप लोग को डायरेक्ट अंडर रूट वन और यहाँ संभल कर, संभल कर लग रहा है कि जहाँ माइनस है, इसका ये मतलब नहीं कि जहाँ माइनस है होगा, ठीक है माइनस है लेकिन कॉस का जो भी वैल्यू है वो खुद माइनस में था, तो माइनस माइनस प्लस एक बटा तीन और बटे में क्या भिन्न के जोड़ आता है ना, तो जोड़ लेना, जोड़ के देख लो कितना हो जाएगा, तीन और एक जोड़ दिए तो चार और बटा में तीन और साथ ही साथ दो, दो से दो तो कट ही गया, तो पूरा मिला जुला के बोलो ना कि कट गया रूट अंडर दो और बटा में तीन। एक मिनट अभी बताना बाकी है, बोलो अंडर रूट वन के वन लिखें और कॉस एक्स के वैल्यू माइनस में एक बटा तीन, तो माइनस में एक बटा तीन और बटा में दो, भिन्न के जोड़ घटाव बना यहाँ वहाँ गुना उना हो के दो और बटा में तीन, तीन तो आइए साथ साथ दो,
दो से दो गया कट, तो बचा एक बटा रूट अंडर तीन। अब साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू दोनों अगर निकल गया है तो टेन एक्स बाई टू निकल जाएगा। अब फार्मूला नहीं निकालना है, डायरेक्ट जो भी आप निकाले हैं ना साइन एक्स बाई टू और बटा में कॉस एक्स बाई टू, आसानी से साइन एक्स बाई टू देखें तो अंडर रूट दो बटा में रूट अंडर तीन, अलग अलग लिख दिए हैं, जान से लिखे हैं इसे काटने के लिए, एक बटा रूट अंडर तीन। जब मैं रूट तीन से रूट तीन काट सके तो फाइनली आंसर रूट अंडर दो दिखाई देता है, लिख लेते हैं आंसर। आंसर मिलाते हैं या नहीं, खाली बने ले जा रहे हैं। कितना देता आंसर नहीं है, कितना आंसर अरे हमको पहले हिसाब में भी बात बताना चाहिए था, यहाँ भी हमने बताया तो गड़बड़ हो गया, हमको तो पिछले हिसाब में भी बात बताना चाहिए था, हमको तो पिछले हिसाब में भी बात बोलना चाहिए था, हम तो ये बोलवे नहीं किए, हम तो पिछले हिसाब में भी बात बताते, हम तो ये बोलवे नहीं किए। नंबर यही होगा कि नंबर वो नहीं है, रूट दो बटा रूट तीन नहीं है, कितना है रूट रूट छः बटा रूट छः बटा तीन है। अब हाथ सादे है, देखो 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 जाजा देखो, ऐजा ध्यान देना, ऐजा गौर से देखना, नीचे में रूट तीन है इसलिए ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, ऊपर हो गया रूट अंडर छः नीचे तीन, तो उसके हिसाब से शायद ये भी नहीं दे रहा होगा, तब ये जो पर ऐसे दे रहा होगा रूट तीन से ऊपर भी गुना रूट तीन से नीचे, ऊपर हो गया रूट अंडर तीन और नीचे में तीन, यही आंसर है। और इसमें रूट दो है इसमें, हाँ ये तो माइनस में आ जाएगा, मतलब वो दोनों है ना ये माइनस में कहा जाएगा जो बताते हैं, जैसे साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पे एक्स कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स जो है एक्स इज इन द हाँ थर्ड क्वाड्रेंट, ये किस में है थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक बात श्योर हो जाता है, एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो अगर बटा दो करेंगे ना तो एक्स बटा दो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो गड़बड़ हो जाएगा, उसमें प्लस से आ रहा है ना, उसमें माइनस है कॉस एक्स बाई टू, प्लस में सिर्फ कौन है, तो ऐसा तो स्थिति गंभीर है, थर्ड क्वाड्रेंट इसे देखो हम समझाते हैं, एगो चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशन जो अभी तोनिक नहीं पढ़ा है, लीनियर इनइक्वेशन अभी एक्स कहाँ है वो चैप्टर में नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आंसर बताते हैं हम वो चैप्टर नहीं पढ़ाए, अभी एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड को हम लोग बोलते हैं कि 180 से बड़ा और 270 से छोटा, इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन, अभी पढ़ाना बाकी है, चाहो तो इक्वल टू दे दो क्या फ़र्क पड़ता है, और हम इसका आधा कर दिए एक्स बटा क्या कर दिए दो, तो इधर भी आधा करेंगे और इधर भी, तो वैसे सिचुएशन में जो पड़ेगा ना गौर से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 90 एक्स बाई टू और ये हो जाएगा 100। अब अपने दिमाग लगाओ कि एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, इसलिए साइन एक्स बाई टू जब भी निकलेगा प्लस में, लेकिन बाकी सब तो गलती हो गया। इसके पिछला हिसाब कौन था उसमें भी गलती हो गया, उसमें भी गौर से देखोगे तो जो कॉस निकला है ना ये वाला जो कॉस है इसके आगे माइनस के चिन्ह होगा और टैन जो आया है उसमें भी क्या होगा, और इसके पिछला हिसाब में भी वही बात होगा, पिछला कौन से क्वाड्रेंट में था सेकेंड क्वाड्रेंट, गौर से देखना
अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है, ओजा भी नियम लगेगा। देखो याद रहे कि सेकेंड क्वाड्रेंट ई कौन से क्वाड्रेंट में था एक्स, तो हम थर्ड के हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो थर्ड के हिसाब से लेके चले तो सिर्फ पहले वाला जो भी आंसर आया कितना आया, ई प्लस में, अब बाकी सब, क्योंकि एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में। लेकिन अगर पिछला हिसाब याद दिलाते हैं, अगर तुमने लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखे हो तो हम भूल गए कि क्या लिखें। जैसे ये बताइए कि आठवां नंबर में एक्स कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकेंड के मतलब होता है कि 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। तो अगर हम एक्स बाई टू निकालना चाहें तो दूसरे इधरों भागा, दूसरे इधरों भागा, मतलब ये 45 से बड़ा हो जाएगा, सॉरी हाँ 45 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा, एक्स बाई टू। तो एक्स बाई टू किस क्वाड्रेंट में पड़ा, अरे 90 और 180 मतलब सेकेंडे ना होता है, और दो से भागा दिए तो 45 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब एक्स बाई टू बता दें। हेलो, ये ऐसा इत्तेफाक है कि पिछला जो हिसाब बताया उसमें कुछ गलती ही नहीं हुआ, इत्तेफाक है कि सब सही हो गया। अरे तो बाई चांस हो गया, लक बाई चांस, लेकिन हमको बताना तो चाहिए था ना कि एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इत्तेफाक है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरा इसलिए सबे के सबे सही हो गया। लेकिन दूसरा हमने तीसरा जैसे देखो, एक मिनट, तरिया वाला झमेला ना मेन होता है, शुरू शुरू में हम फार्मूला बताते गए और क्वाड्रेंट पे तो ध्यान ही दिए। थर्ड नंबर, थर्ड बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10 बोलो, साइन एक्स बराबर 1/4, एक्स कहाँ है, एक्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो खैर अभी नहीं, बाद मेरा बताएंगे, अब बताएंगे कोची, अभी तुरंत बोल के गए, अगर एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स बाई टू किस में आएगा, अभी समझेबो किए थे। जैसे एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट के मतलब है कि एक्स का मान 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, तो एक्स बाई टू जो होगा वो 45 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, खत्म। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये है तो सब के सब, लेकिन अभी संभल के अभी फिलहाल इसमें परपेंडिकुलर कितना, एक, हाइपोटेनस कितना, 4, बेस निकालना होगा, ऐसे मत बोलो रूट तीन, ऐसे बोलवो मत करो, इतना जल्दी बोल देगा रूट तीन। सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मैने कितना के स्क्वायर, 16, लंब मैने कितना, 1, आधार मैने बी, तो 16 में से एक गया तो 15 बी स्क्वायर, तो बी बराबर कितना, अब बोलो अंडर रूट तीन, अंडर रूट कितना, 3, अंडर रूट 15, ऐसे बोलना भी नहीं है। हाँ, अब क्या क्या निकालना है, तो सबसे पहले आप ई निकाल के बैठ जाइए, कॉस एक्स, अब कॉस एक्स के सूत्र क्या होता है, रूट अंडर 15 अब बटा में 4, लेकिन माइनस में का है, क्योंकि एक्स 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 सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स बाई टू भले फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा लेकिन एक्स किस क्वाड्रेंट में है, तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स बाई टू को छोड़ दीजिए आप, अब बोलो साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू के फार्मूला, साइन एक्स बाई टू के फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 2, तो संभल के लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस अकाहे का माइनस, माइनस तो पहले से था, एक वैल्यू है माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, अंडर रूट 15 बटा 4 बटे में 2, अगर भिन्न के जोड़ आता है तो जोड़ के देखोगे तो 4 अब प्लस में अंडर रूट 15 अब बटा में डायरेक्ट लिख दीजिए 8, सेम नियम कुछ हैजा पर भी लगेगा, कॉस एक्स बाई टू एकर फार्मूला होता 1 प्लस कॉस एक्स अब बटा में 2 अंडर रूट 1, हाँ होना तो चाहिए था प्लस लेकिन
माइनस होगा, माइनस इस वजह से होगा क्योंकि इसका वैल्यू है माइनस में, तो माइनस में अंडर रूट 15 बटा में 4 बटे में 2, जोड़ घटा दो, 4 माइनस रूट अंडर 15 बटा में 8 बन गया। हो सकता है कितना आंसर दे, या तो 8 के रूट तोड़ दे और ऐसे बोले कि 4 प्लस रूट अंडर 15 और बटा में, तो बटा में जो भी बोले हम इतने छोड़ दे। कितना आंसर देता है एक बार आंसर चेक कर लीजिए, की देता है या रूट 8 से ऊपर नीचे गुना उना करे कह रहा है वो। इस हो सकता है कि रूट 8 से कहे ऊपर गुना कीजिए, किससे, रूट 8 से ना, हो सकता है कि नीचे रूट 8 है तो कह दिया गया कि ऊपर भी रूट 8 से गुना कर दो और नीचे भी रूट 8 से, या कम से कम यहू करो ना कि ऊपर रूट 2 से गुना नीचे रूट 2 से गुना। ऊपर अगर रूट 2 से गुना करोगे ना, मान लो गुना कर दिए, हौच पौच तो हो गया पूरा, रूट 2 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा रूट 8, 8 नहीं सॉरी, हाँ 8 है रूटे में ना है तो 8 आई हो जाएगा प्लस में, गड़बड़ हो गया रूटे में नहीं चलेगा, ये हो जाएगा 2 रूट 15। इसमें अगर रूटे में गुना करेंगे सिर्फ 2 तो ही हो जाएगा 16। मतलब समझाते हैं कि रूट में ही हम, रूटे में हम 2 ऊपर और 2 नीचे गुना ऐसे काहे कर दिए, इसलिए कर दिए जब मैं नीचे डायरेक्ट हो जाएगा कितना, और ऊपर बचेगा 8 प्लस 2 रूट 15 वो भी रूट में या बटा में 4। आंसर दे चाहे नहीं दे, माथा दर्द नहीं लेना हमारा, बस यहाँ पे जैसे 4 माइनस रूट 15 और बटा में 8, मतलब रूटे में ही, रूट में ही हम बोलेंगे कि ऊपरे भी 2 गुना कर दो और नीचे भी 2 गुना कर दो। ऊपर बोलो आंसर क्या लिखे, अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट अंडर 15, उसको ओके कर दो, कहाँ है टन टन, अच्छा जा। और नीचे क्या लिखे, 16, बाद में 16 चाहोगे ना तो हटा लेना, डायरेक्ट आंसर बोलो अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15 अब बटा में रूट से बाहर एकदम डायरेक्ट 4 हो गया। अब अगर टेन वाला कहे, कहे कि आप टेन एक्स बाई 2 निकालिए, तो बोलो टेन एक्स बाई 2 के सूत्र साइन एक्स बाई कॉस, मतलब डायरेक्ट बोलो ने कि बटा में 4, बटा में 4 कटिए गया तो ऊपर बचा कौची अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट अंडर 15, और नीचे अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट अंडर 15। हो सकता है ये भी आंसर नहीं दे, ये भी कहे कि कंजुगेट मल्टीपल करो, काहे करो क्योंकि दोनों तो रूटे में हैं, कह देगा कि रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 से ऊपर गुना, चिन्हमा बदल के ये माइनस है ना, माइनस के प्लस बना देंगे 8 प्लस 2 रूट अंडर 15। इतना मेहनत सिर्फ आंसर लाने के लिए करते हैं, ऊपर बोलो क्या बोले, सेम चीज़ बा, सेम चीज़ आप दो बार लिखोगे, मतलब रूट में, रूट में दो बार अगर लिखेंगे तो नियम होता है कि 8 प्लस 2 रूट अंडर 15, नहीं समझ में आया लगता है, जो रूट है ना, रूट है ना, स्क्वायर करे पर रूट खत्म, और नीचे के नियम होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट में ही 8 8 64, और माइनस में पहले तो 2 के स्क्वायर 4 हुआ, 4 हुआ और सिर्फ 15 15 ने होगा स्क्वायर करे पहले तो रूटे खतेगा, तो 15 चके 60, तो ऊपर हम बोलेंगे कि 8 प्लस 2 रूट अंडर 15, और जिसको समझ में आता है वो डायरेक्ट बोलेगा 2, 2 कैसे 64 से 60 गया 4, 4 के रूट 2, तो इसमें आंसर ही वाला है कितना, अच्छा कॉमन लेके फिर, मतलब इतना मेहनत सिर्फ करना पड़ता है कि आंसर लाइए, बन तो आपका एजे पे गया, कितना बटा इतना लिखे ना बन गया, नहीं हमारा ये अच्छा नहीं लगता है, रूट अच्छे नहीं लगता है, अनपच हो जाता है, चल भाई यहाँ तक, वो कहता है बहू अभी रुको कॉमन लो 2 और 2, चल कॉमन ले लिए तो 4 प्लस रूट अंडर 15, अब बटा में जो 2 था ना तो 2 कट गया, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 4 प्लस रूट अंडर, बन तो कभी गया था, सिर्फ आंसर लाने के फिर हमें इतना खींचे पड़ता है, क्योंकि आंसर नहीं लाएंगे तो मास्टर के पढ़ावे नहीं आता, इसलिए आंसर लाइए। ट्वेल्थ में वो चैप्टर नहीं बोलेंगे, ब्रांचे बोलेंगे, कैलकुलस है जिसमें आंसर नहीं आता, 50% केस में आंसर नहीं आता, और आंसर लाना ज़रूरी भी नहीं होता है वहाँ पे। चलिए एग्जांपल नंबर 29 बता देंगे, लेकिन आगे भी तो देखना है ना, कोशिश कर बता देंगे हल्का।
सिंपल है, तुमको देख कैसा लग रहा हो कैसे से क्या करें जी। इसमें इसे बनेले है ना, इसलिए लग जाता कि हाँ ये क्या कह ले, ये देख के लग जाता कि क्या कर दिया। जितना भी एग्जांपल है ना, जो भी आपको पूछना है ना, छाट छाट के हमसे पूछ, जो भी रहे हम बता देंगे अगला दिन। और नेक्स्ट शुरू कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे से ना से भी हो ले कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे भी हो जाएगा तो दोनों कवर हो जाएगा। और वहाँ कैसे से ना से एपी स्टार्ट कर देंगे, एपी जीपी।